जाते उस्ताद शक्लें नहीं बनाते बेटे, नस्लें बनाते हैं जी। ये इल्मुल अशकाल की वो शक्ल है जिसे कहते हैं मुरब्बा। मुरब्बा जी? ये मुरब्बा? जी हाँ। बेवकूफ बना रहे हैं आप हमें है? मुरब्बा तो होता है आम का, आड़ू का और सेब का। हाँ। और सेब का मुरब्बा हमें बहुत पसंद है। हाँ। हम क्या करें? क्या जाए? ये अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, तस्लीम तस्लीम आली जा। जरा मुलाहजा फरमाइए, हमने इन्हें इल्मुल अशकाल के मुरब्बे की शक्ल बना के दिखाई तो ये फरमाते हैं कि इन्हें सेब का मुरब्बा ज्यादा पसंद है। जब इसे सेब का मुरब्बा ज्यादा पसंद है तो आपको क्या इतराज हो सकता? देखिए तो अब्बा हुजूर। हाँ। नहीं नहीं नहीं, शहजादों को तालीम देते वक्त ये हरगिज फरामोश नहीं करना चाहिए कि वो आम लोगों के आम बच्चे नहीं होते। आओ शहजादे, हम आपको सेब का मुरब्बा खिलाएंगे। आलीजा, वो मौलिक साहब, मुलाहजा फरमाया आपने। जी हाँ, सब्र कीजिए। जिस मुल्क में तालीम भी आम और खास के तबकों में बढ़ जाए, जिस सरजमीन पर उस्ताद को अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए तालिब इल्म के सामने सर तस्लीम खम करना पड़े, वहां तहजीब की शाखों पर इल्म दानिश के फूल कभी नहीं खिलते। सच फरमाए, सच। और इस महल में तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है।